आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो सबको मालूम है कि आज से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज नहाए खाए हुआ है, जिसमें जो पर्वतिन होती हैं, जो ये व्रत रखती हैं, उनकी आज नहाकर खाने की प्रथा है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर खाना बनता है जो कि बड़ा स्वाद होता है उस खाने में। घर घर में आज बिहार में कद्दू की सब्जी बनती है, यानी कि लौकी की सब्जी, और चने का दाल होता है, और आलू गोभी मटर, जो नया आलू आया होता है मार्केट में, उसकी सब्जी तैयार होती है। हाय चटनी बनता है धनिया का, और आलू बैंगन लौकी के पकौड़े बनते हैं, मिर्च के पकौड़े। और आज गंगा से नहा करके सब लोग ये खाना खाते हैं। और कल खरना है, जिसमें खीर और रोटी बनता है। घर घर में अलग अलग तरीके से बनता है, कहीं पूरी बनती है, कहीं रोटी बनता है, हमारे यहाँ रोटी बनता है। और गुड़ का खीर, जो कि सच में बहुत मुश्किल है बनाना, वो छठ में बनता है। मेन प्रसाद खरना में वही होता है। शाम को ये त्यौहार मनाया जाता है, अराउंड सूर्यास्त के बाद रोटी और खीर का प्रसाद। पहले भगवान को भोग लगता है, फिर हम जो घर के बच्चे हैं उनको भोग लगता है, और फिर जो आने जाने वाले होते हैं वो खाते हैं। खैर, ये सारी बातें तो हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि छठ में वो जो हम पूजा करते हैं, और उनकी जो सूप, हम उसमें थाल नहीं सजाते, हम उसमें पर्टिकुलरली सूप सजाते हैं। सूप इसको कहते हैं, जो कि बांस से बना होता है, और ये अभी बिहार में सड़क के हर, मतलब दो कदम आप चलेंगे और आपको ये सारी सामग्री वहाँ पे मिल जाएगी। वैसे मुंबई में बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए लोग मुंबई में जो छठ करते हैं वो ज़्यादातर बिहार की तरफ भागते हैं। और आजकल क्योंकि बिहारी इतने ज़्यादा मुंबई में हो गए हैं कि सारे सामान यहाँ मिलने लगे हैं, तो मैं आज आपको ये सूप सजाना बताऊंगी। वैसे सच्ची बताऊँ तो बिहार के बच्चे बच्चों को ये सूप तैयार करना आता है। तो सबसे पहले सूप को धो लेते हैं, और इसमें हम, वैसे तो चावल भिगोकर उसको पीसा जाता है, पर क्योंकि हम मुंबई में हैं तो सूर्य देवता से माफ़ी मांगकर हम थोड़ी सी लिबर्टी ले रहे हैं। हम इसमें चावल का आटा और पानी डालेंगे, इसको ऐपन कहते हैं। हमारे यहाँ रंगोली भी हमेशा चावल के आटे से ही बनाई जाती है, शुभ मानते हैं। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा हल्दी, इसको पीला किया जाता है। तो सबसे पहले हम सूप पे ऐपन लगाते हैं 5 times, 1, 2, 3, 4, 5। और यही ऐपन नारियल में भी लगाई जाती है। वैसे तो यहाँ मिला नहीं है, इसलिए हम ये नारियल लेकर आए हैं, अदरवाइज ये पूरा साबुत जो नारियल होता है छिलके के साथ, वो यूज करते हैं। पहले हम ये सारी चीज़ों पे लगा लेंगे ऐपन को, उसके बाद हम इस पर सजाते हैं जितने भी फल हैं। अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में तो बहुत होता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, बस ये हो गया। हम सिंदूर से टीका करेंगे। इस त्योहार में पीला सिंदूर यूज होता है, लाल में त्योहार करती हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पीले सिंदूर में होती है, और जो अनमैरिड होती है वो यहाँ से यहाँ तक मांग में नहीं। 1, 2, 3, 4। अब हम सूप में ये डालेंगे नारियल, मूली, जितने भी फल मिल जाए वो सब इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सूर्य देवता को हम हर चीज अर्पण करते हैं जो हम खाते हैं। इसमें जो मेन फल होता है वो है पानीफल सिंघाड़ा, नारियल। एक चीज हमें यहाँ नहीं मिली है, वो है गागर, ये संतरे का बड़ा रूप, जो कि गागर कहा जाता है, बिहार में काफी मिलता है। कच्ची हल्दी, ऐसे तो पत्ते के साथ होता है, पर यहाँ
जो मिल गया। हल्दी सब पत्तों के साथ था। इसमें हम चना डालते हैं भीगा हुआ और चावल डालते हैं जिसको अक्षत कहते हैं। पान सुपारी लौंग इलायची और जो छठ का मेन प्रसाद है वो है ठेकुआ। छठ में खास करके ये लंबे वाला ठेकुआ चढ़ता है। हम पांच डालते हैं जिनकी जैसी श्रद्धा, लेकिन ज्यादा डालो तो बहुत हैवी हो जाता है और उनको उठाने में बहुत मुश्किल होती है, पानी में, ठंडी में और ऊपर से सूप भारी। और कई लोग तो एक सूप नहीं, दो दो सूप, पांच पांच सूप ऐसे एक साथ उठाते हैं, जिसकी जैसी मन्नत हो। चार पहर रखे जल थल से हर। इसमें सबसे पहले जो चाहिए हमें सूप चाहिए होता है, जो कि बांस का बना होता है। और बांस के सूप पे हम ऐपन लगाते हैं जो कि चावल और हल्दी से बनाते हैं पीस करके, वो शुद्धि के लिए किया जाता है। और उसके बाद प्रसाद में मेन जो है ठेकुआ, वो आटे का बना होता है जिसको घी में तल करके तैयार करते हैं, वो ये है ठेकुआ। और मेन प्रसाद में तीन चार चीज़ें हैं, जैसे नारियल तो होता ही होता है, साबुत नारियल छिलके के साथ, और ठेकुआ तो बता दिया, गन्ना होता है, पानी फल सिंघाड़ा होता है, और जितने भी फल होते हैं, अदरक हो गया पत्ते के साथ वाला, या हल्दी भी होता है, सुथनी हमारे यहाँ बिहार में होता है, और गागर एक बड़ा फल आता है, इसका बड़ा रूप, वो ज़रूर डालते हैं। और केले हो गए, सेब हो गया, संतरा हो गया, स्टार फ्रूट कहते हैं हमारे यहाँ अमरख, वो ज़रूर डालते हैं। और जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जिसकी जितनी हैसियत होती है, वैसे तो लोग एक नारियल से भी कर लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम इतना कुछ जो जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वही हम सूर्य देवता को अर्घ में देते हैं। बिल्कुल, अरे बहुत ज़्यादा। मुझे याद है कि नहाए खाए, ये चार से पाँच दिन की तैयारी होती है इसमें। आज जैसे नहाए खाए है, तो आज जो खाना बनता है वो इतना टेस्टी होता है ना, ऐसे ऐसे वेट करते थे कि कब माँ खाएगी और हम लोग को खाने को मिलेगा। मुझे अब भी याद है कि मेरी बहन चटनी पीस रही थी। इसमें सब शुद्धता का ध्यान रखते हैं, शुद्धता सिर्फ हाथ पैर धोकर नहीं, मन की भी शुद्धता। तो मेरी बहन के मन में बड़ा खोट था, वो चटनी पीस रही थी और सडनली उसने आकर बोला ये चटनी ख़राब हो गया, चटनी ख़राब हो गया। तो हमने पूछा हुआ क्या ये तो बता, तो बता रही है पीसते पीसते मेरी लार टपक गई। उसको माने ऐसे हल्के से चप्पत लगाया, बोला भूल चुक माँ, बच्ची हो चलता है, एक्चुअली छोटी थी। तो एक्चुअली मन की शुद्धता, देखो ना बोलते हुए मुँह में पानी आ रहा है। मैं एक बात बता दूं, इसमें खाना बड़ा ही सिंपल होता है, बिना लहसुन प्याज का, घी में सादा बना हुआ,
लेकिन पता नहीं क्यों इस 4 दिन का जो खाना होता है ना वो एकदम स्वाद अलग होता है। पूरे साल हमारे घर में वो स्वाद आता ही नहीं है। सेम मेथड से बनता है, सेम रेसिपी, बट स्वाद ही नहीं आता। तो उस टाइम, और अगर यकीन नहीं कर रहे ना, तो जो भी जा सकते हैं छठ में, छठ पूजा के लिए किसी फ्रेंड के यहाँ, तो जाकर आप खाइएगा जरूर। इट्स रियली अमेजिंग। मतलब पता चल जाएगा कि रतन राजपूत झूठ नहीं बोल रही। जी यार, मान्यता तो बढ़ी है, लेकिन ये देखिए कि बिहारी कहाँ तक घुस गए। जहाँ बिहारी है वहाँ छठ पूजा है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि इसमें हिंदू मुस्लिम तक की पाबंदी नहीं रही है। कई मुस्लिम्स भी ऐसे हैं जो कि मन्नत मानकर, या वैसे भी जिसको इच्छा आई, और देखा जाए तो सूर्य भगवान कहाँ हिंदू और कहाँ मुस्लिम और कहाँ क्रिश्चियन, किसी के भी नहीं ऐसे पर्टिकुलर हैं। तो जो चाहे वो करता है इस त्यौहार को। यार सच्ची बताऊँ तो मैंने तो सिर्फ थैंक यू ही कहा है, लेकिन हाँ इस बार मैंने माना है। वैसे मन्नत बताई नहीं जाती, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं छठ करना चाहती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि सूर्य देवता किसी तरीके से मेरे जीवन में आए और कृपा करें और मैं ये त्यौहार कर पाऊँ, क्योंकि ये आसान नहीं है, या आप खुद से नहीं उठा पाते कि हाँ हाँ चलो चलो मैं करूँगी ना। ये कुछ होता है अंदर से, कुछ क्लिक करता है, या पता नहीं, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। अगर उनकी ब्लेसिंग होगी तो मैं करूँगी छठ जल्दी ही। जी मैं बिहारियों को सल्यूट करूँगी कि इतने पहले, पता नहीं कितने सदियों से ये पूजा चलता आ रहा है, और ये एक्चुअली ढलते सूरज और उगते सूरज की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि सूर्य ही पालनहार हैं। अगर वो ना आए तो प्रलय है, और अगर जाए नहीं तो भी प्रलय है। तो इसलिए इस टाइम पे सूर्य देवता के जाते हुए स्वरूप को और आते स्वरूप को, दोनों की ही पूजा की जाती है, और उनको धन्यवाद कहा जाता है, उनको दिल से याद करते हैं, और बस उनसे आगे ऐसे ही वो हमारा देखभाल करते रहें और हमारे जो यू नो फ्यूचर है वो सिक्योर करते रहें, खुश रहें हम इसके लिए। यार गीत तो इकट्ठे बैठ कर गाने में मजा आता है। आप गाओगे? अबे हरी जी हमेशा चीटिंग करते हैं। चार पहर राती जल थल से बली, चार पहर राती जल थल से बली, से बली चरण तोहार छठी मैया, भेंट दीहिना पान जगतारन मैया, दर्शन दीहिना पान। मांगू मांगू तिवरी कवन फल मांगीला, मांगू मांगू तिवरी कवन फल मांगीला, जो तेरा जी तोरा हृदय में समाए छठी मैया, भेंट दीहिना पान। अपना ले मांगीला, क्या था? नहीं नहीं हाँ ये तो सही है। हाँ 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 है मांगीला भाई रे भतीजवा, नहीं अपना बैना घुरन को चेरी बेटी मांगीला, बैना घुरन को चेरी बेटी मांगीला, घोड़ा के के खबास छठी मैया, भेंट दीहिना अपान। स्पेशली बता दूँ ये जो मैंने मांगा है वो क्या है। बैना घुरन को चेरी बेटी मतलब घर में हेल्पर सर्वेंट जरूर हो, और घोड़ा के खबास मतलब पहले तो घोड़ा और गाय रखते थे ना, तो उनके सेवा के लिए एक लड़का हो, तो मतलब ड्राइवर मेड ये घर में हमेशा रहे। देखो जरा सूर्य देवता से भी क्या मांगते हैं। जी मैं कहना चाहूँगी जो बिहार में नहीं है, मुंबई में है, या अमेरिका में है, या मॉरिशस में है, सूर्य तो एक ही है, बस हम समझ लीजिए कि हम बिहार में ही खड़े हैं और गंगा में ही, गंगा मैया में हैं खड़े। सो दिल से पूजा करें,
और मैं जानती हूँ इस टाइम पे घर बहुत याद आता है क्योंकि वो हवा चेंज हो जाता है वहाँ का, वो खुशबू चेंज रहती है, तो नेचुरली वो तो कमी हमें भी महसूस हो रही है. पर सूर्य की पूजा आप सब करें और हैप्पी छठ पूजा. आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सबका छठ मंगलमय हो और जो परिवार से दूर हैं उनके लिए स्पेशली प्रे करूंगी कि उनको कहीं ना कहीं से प्रसाद खाने को मिल जाए, जैसे मुझे हरी जी खिलाने वाले. थैंक यू.